तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में, नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ थोड़ी, जो बॉम्बे एक्सप्रेस बन रहा हमारा यहाँ से दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे। और फिलहाल अभी ये बोर्ड देखो लग गया है, ये हमारा अलवर का पलवल 46 किलोमीटर, अलवर 115 किलोमीटर और वडोदरा 897 किलोमीटर, और बॉम्बे तकरीबन 1200 किलोमीटर करीब बॉम्बे यहाँ से है। तो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ या दिखाने वाला हूँ, कुछ ड्रोन से सीन देंगे आपको दिखाएंगे, कुछ दिखाऊंगा वैसे कि बॉम्बे एक्सप्रेस कितना बन चुका है और मीठापुर पे और लोहिया पुल पे कैसा काम क्या हो गया है, तो वो भी दिखाते हैं आपको। और यहाँ एग्जिट कहाँ है तो वो भी आपको दिखाता हूँ आज मैं अपने व्लॉग में। तो चलते दिखाता हूँ आपको ये पहले, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं ये बोर्ड लग गया है यहाँ पर पलवल का, अलवर का, वडोदरा का, और इस साइड लग गया हमारा बोर्ड। और कलिंदी कुंज 5 किलोमीटर, दिल्ली 15 किलोमीटर और नोएडा 16 किलोमीटर, तो ये बोर्ड यहाँ पर लग गया है। तो ये बोर्ड इधर अब काम रहता भी हमारा, वहाँ तक तकरीबन काम रहता है यहाँ से लेके जो अपना सराय काले खां है वहाँ जा रहा सीधा, ये रोड वहीं उतरेगा। तो भाई अब हम पहुँच गए हैं लोहिया पुल पे, और ये लोहिया पुल के पास ये देखिए सामने ऊपर डिवाइडर लगा दी उस टाइप का, ये सामने दोनों एक वहाँ से यू टर्न हो जाएगा पीछे के लिए, जो हरिनगर मीठापुर से आएंगे उनका यू टर्न यहाँ से हो जाएगा वापस के लिए हरिनगर जतपुर के लिए। और यहाँ काम चल रहा है ये देखिए, और थोड़ा सा काम रह गया बनने वाला, बस ये भी आजकल में तैयार हो जाएगा। और ये सामने पूरा तैयार हो गया रोड, मीठापुर साइड चालू हो गया है पूरा, आगे दिखाते हैं आपको। और इस तरह यू टर्न, वो सामने रास्ता बन रहा है यू टर्न का, और एक यू टर्न हमारा यहाँ से हो जाएगा, यहीं से यू टर्न हो जाएगा इधर के लिए। और ये है हमारा लोहे पुल पर खड़े हुए भी हम, तो आपको दिखाते हैं आगे। और धूल मिट्टी फिलहाल भी बहुत है, और आगे दिखाता हूँ आपको मीठापुर साइड, हम मीठापुर साइड ये कच्चा रास्ता आ गया जरा सा, बस ये फिलहाल बन के तैयार ही हो गए ये भी समझो। और ये देखिए आगे बिल्कुल रोड चालू है, कहाँ तक चालू है ये दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। और इनके सारा मशीनें पड़ी हैं, जो पूरा यहाँ पर लगे हुए था प्लांट इनका, तो उनका सामान पड़ा हुआ है ये। और यहाँ आगे से खैर बंद कर दिया है, और यहाँ से जो हमारा पार जाने का रास्ता है, और यहीं से टर्न दे दिया है, ये यू टर्न जो भी एक तरह का यू टर्न है ये भी अपना। और यहाँ से ये देखिए ये पूरा प्लांट बंद कर दिया सारा, और ये बना दिया पुल हमारा यू टर्न यहाँ से आने जाने के लिए। तो जब भी हम यहाँ से आएंगे मीठापुर साइड से, तो यहीं से जो हरिनगर जाएंगे यहाँ से नीचे अंदर चले जाएंगे वापस। और ये देखिए ये भी रोड पूरा तैयार हो गया नहर के साथ साथ। तो भाई हम खड़े हैं मीठापुर के पास ही, ये सामने देखिए रोड बन गया मीठापुर, ये लोहिया पुल सामने हुआ, लास्ट वाला बोर्ड दिखा रहा है लोहिया पुल है, और ये पूरा कट यहाँ से दे दिया देखिए, ये पूरा कट है यहाँ से। तो यहाँ से आप चढ़ोगे मीठापुर से आते ही यहाँ से आप ऊपर चढ़ जाओगे यहाँ से दिल्ली के लिए नोएडा के लिए, तो आप आगे यहाँ से चले जाएंगे। और सामने वो कट है हम मीठापुर से अपना मीठापुर से इस साइड लोहिया पुल के पास, और वहाँ से हम आएँगे बल्लमगढ़ साइड से, तो वहाँ से हम सीधा इसको उतर जाएंगे यहाँ से। तो भाई ये रोड चालू हो गया है हमारा श्रीकाल, चलो अब हम जा रहे हैं मीठापुर साइड। और ये हरिनगर पास में ही स्टार्ट हो गया चढ़ने के लिए हम, और ऊपर जा रहे हैं अब फरीदाबाद की साइड और बल्लमगढ़ की साइड, ये एक साइड चालू होगी पूरी बल्लमगढ़ तक आप जा सकते हैं आराम से। तो भाई अब हम खड़े हैं मीठापुर पे, और यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ मैं मीठापुर चौक, ये हमारा चौक है, मेन चौक है मीठापुर, वो अपना टंकी रोड आ गया, वो स्कूल रोड आ गया सामने, और वो सामने जतपुर रोड आ गया, और ये ऐसे रोड कंप्लीट बन के तैयार हो गया, साथ साथ ही पूरा तैयार है सर्विस रोड भी। और ये मीठापुर चौक देखिए आप, ये फ्रूट की दुकानें हैं, और ये सामने रोड जा रहा है देखिए सर्विस रोड, और ये गोल चक्कर बन गया पूरा हमारा यहाँ पर जाने के लिए, तो बहुत बढ़िया बात है। ये मीठापुर में जाम काफ़ी कम हो गया, और ये रोड ऊपर वाला चालू हो गया है, तो आप यहाँ से अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं दिल्ली से बदरपुर से, तो आप सीधा चढ़े और बल्लमगढ़ उतरेंगे जाके, पूरा रोड चालू हो गया यहाँ से। तो आपको थोड़ा आगे दिखाते चल के और बॉर्डर साइड, तो वहाँ भी जा रहे हैं वहाँ दिखाते हैं आपको। तो भाई अब हम पुल के ऊपर ही देखिए, पहले तो अपना बॉम्बे एक्सप्रेस है सारा, ये यहाँ से लेके ये बदरपुर बॉर्डर आ गया, 37 का गुरुद्वारा सामने दिखाई दे रहा है वो आपको देख रहे हैं, और इस साइड ये नहरें क्रॉस कर रहा है जो हमारा रोड मीठापुर से आगे जाके, तो इस तरह यहाँ भी काम देखिए कितना हो गया है, और ये क्रेन खड़ी है, काम यहाँ भी चल रहा है।
और सामने ये रोड बन रहा है, देखिए रोड पूरा साथ साथ बन के है और कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर भी दो चार दिन में ये भी हो जाएगा। और ये पुल खड़ी है पार जाने के लिए, ये अपना पल्ला तिलपत इस्माइलपुर के लिए रास्ता है। ये नहर के ऊपर खड़े हम नहर के, ये यहीं से क्रॉसिंग कर रहा है रोड, जो पार जाके नाले के साथ साथ जाएगा। तो भाई साहब रोड पूरा तैयार है बिल्कुल। तो आपको अगर जाना है बल्लमगढ़ पलवल राजस्थान या इधर आगे किसी एरिया में, तो आप मीठापुर से चढ़िए और सीधा जाइए, 100 की स्पीड इस पर दे रखी है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है ये। और हम ड्रोन से आपको दिखाते हैं शॉट यहाँ के, और आगे फिर आपको दिखाएंगे पूरा यहाँ से लेकर मीठापुर और फिर आगे लोही पुल तक ड्रोन से दिखाएंगे पूरा एरिया कैसे रोड बन गया, कितना बन गया, और फिर मज़ा आएगा। और यहीं से आप सुपरनोवा देख सकते हैं। देखिए भाई साहब नोएडा की दिखाई दे रही है आपको सुपरनोवा, वो ये दे रही दिखाई दे रही। अब हम ड्रोन उड़ा रहे हैं, ये रहा हमारा ड्रोन। और एक खम्भे लगाए जा रहे थे, खम्भों पे लाइट लगाई जा रही थी। देखिए भाई हम आपको दिखा रहे हैं पूरा बॉम्बे एक्सप्रेसवे आराम से ड्रोन से। और अब हम पहुंच गए हैं लोहिया पुल पे। तो यहाँ पे देखिए लोहिया पुल है, ये इसके नीचे यहाँ भी काम कंप्लीट हो गया पूरा। तो आपको दिखाते हैं थोड़ा लोहिया पुल का सीन यहाँ से। तो भाई ये आ गया अपना लोहिया पुल पे काम जो हो रहा है, सामने पूरा काम कंप्लीट है। यहाँ पर देखिए वो सर्विसें बन गई सारी और ये पूरा चालू है। ये अपना
खड्डा कॉलोनी के लिए, ये हरिनगर सामने आ गया पूरे एरिया, यहाँ थोड़ा सा काम रह गया, ये हो जाएगा जल्दी। और ये सामने आ गया इको पार्क, आप देख रहे हैं, वो दिखाता हूँ इको पार्क, ये सामने इको पार्क गेट नंबर ये 4 बनेगा, और ये इको पार्क सारा दिखाई दे रहा है अंदर आपको, और इसकी वीडियो आपको ड्रोन से बना के दिखाएंगे आपको। और ये देखिए काम कितना कम्प्लीट, पूरा काम कम्प्लीट हो गया यहाँ। अब हम खड़े हैं लोहिया पुल पे, ये लोहिया पुल है, ये हमारा नाला है जो साथ साथ जाता है, ये इस तरह का सीन है यहाँ का, देखिए आप। और ये चालू पूरा रोड सामने, और ये देखिए सीन यहाँ का। और ये आपको ड्रोन से छोड़ दिखाया मैंने अभी, और इस बॉम्बे एक्सप्रेस को खाए भाई साहब, मीठापुर से पूरा रोड चालू हो गया, अब जहाँ तक जाना चाहें। बाकी ये रोड बल्लमगढ़ से राइट को हो जाता है ऊपर के लिए, और आगे जाके गुड़गांव का रोड आ जाता है तो बॉम्बे एक्सप्रेस वहाँ मिल जाता है। तो ये बॉम्बे एक्सप्रेस यहाँ से चालू है, मीठापुर से पहले आप चढ़ सकते हैं यहाँ से, मीठापुर से बाद में चढ़ना तो आपने फिर वो आगे बॉर्डर पार करके फिर वहाँ चढ़ना पड़ेगा अमृता हॉस्पिटल के पास। और फिलहाल आप मीठापुर से चढ़ना है तो मीठापुर से पहले और लोहिया पुल के बीच में से यहाँ से आप चढ़ सकते हैं ऊपर इस रोड पे आगे जाने के लिए। और आप वहाँ से आना है बल्लमगढ़ साइड से तो आप मीठापुर से पहले भी उतर सकते हैं, और मीठापुर के बाद लोहिया पुल, आली पुल और मीठापुर पुल के बीच में उतर सकते हैं आप। ड्रोन उड़ाया, आप ड्रोन से आपको छोड़ दिखाए, और मैंने आपको वैसे जानकारी दी, और चलते हैं वापस। अब इसके साथ ही ब्लॉग करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।